watch the interview of Sai Tamhankar at her new launched debut web series Date with Sai. In the interview, the actress opened up on her experience and she also revealed the genre of her web series. She said that they hadn't made the thriller sequence. So take a look what else she shared with the media. जनरली डेब्यू के लिए कोई थ्रिलर या ऐसा जॉनरा प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि वैसे भी रीजनल में और ओवरऑल इंडिया में थ्रिलर्स और अच्छे थ्रिलर्स बहुत कम बनाए जाते हैं. तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पेस में वेब सीरीज़ है. और वो होता है ना, वेब सीरीज़ अगर आप बना रहे हो तो आपको हुक मिलना ज़रूरी है जो ऑडियंस को मजबूर करे सेकेंड एपिसोड देखने, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, एंड दस यू बिंज वॉच. सो मुझे लगता है वो हुक बहुत अच्छी तरह से ज्ञानेश ने अचीव किया है. और मेरे साथ जो मेरे को एक्टर है रोहित, वो भी बहुत बढ़िया एक्टर है. उन्होंने भी बहुत स्ट्रांगली उनका प्रेजेंस इस वेब सीरीज़ में है. सो आई थिंक विथ एवरीबडीज हेल्प वी हैव मैनेज्ड एंड वी आर सक्सेसफुल इन क्रिएटिंग दैट हुक. क्योंकि प्रेजेंट टाइम में हम देख रहे हैं अब ढेरों सारी वेब सीरीज आ रही है और अब आपकी भी वेब सीरीज हमें देखने को मिलने वाली है. फिल्म भी आपने की है एंड वेब सीरीज, आपके लिए कितना डिफरेंट होता है फिल्म और वेब सीरीज? मेरे लिए सेम ही बात है. मुझे तो बस सुबह उठ के शूट पे जाना है, शूट करना है, और 100% जैसे कि हम कोई भी काम 100% देके ही करते हैं. सो मेरे लिए तो कोई चेंज नहीं है. पर एक प्लेजेंट चीज़ वेब के बारे में ये है कि सेंसरशिप नहीं है. तो आप डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, टेक्नीशियन सबके लिए खुला मैदान है. आप क्रिएटिवली, टेक्निकली बहुत चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो. तो आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है. एंड क्योंकि आप रियल लाइफ में भी एक्टर हैं एंड वेब सीरीज में भी मैं ही हूँ. हाँ, मैं ही हूँ. एक्टर ही हैं आप, आप ही हैं. हाँ जी. रियल लाइफ में जब कहीं आप ऐसे स्टक हो जाती हैं, लोग आपको देखते हैं कि ओ सही तो उनके, एंड वहां पर आप फंस जाती हैं, जैसा कि फिल्म वेब सीरीज में भी है, तो कैसे आप अपने आप को बाहर निकालती हैं, कैसे वहां से निकलने की कोशिश करती हैं? क्या आपको कभी रियल लाइफ में ऐसा लगता है यार यहां पे तो फंस गए, अब निकलना बहुत ही मुश्किल है? समझदारी होगा. कई सारे इवेंट्स के लिए जब हम जाते हैं तो अक्सर ऐसे सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं. पर सच बताऊं तो एक एक्टर के लिए लोगों का प्यार, यही उसका आई थिंक प्रोटीन शेक होता है. सो मुझे लगता है कि इट्स व्हेन समबडी, व्हेन यू आर बीइंग मॉब्ड, यू आर बीइंग, यू नो, लोग आप आने पर लोगों की भीड़ जम जाती है. तो आई थिंक इट्स द लव दैट यू नो पीपल आर शावरिंग अपॉन यू. तो उसका बुरा तो नहीं लगता है. लेकिन हाँ, कभी कभार ऐसा ज़रूर हो जाता है कि इस सिचुएशन से अब भागना ही पड़ेगा. और हमारे साथ टेक टीम्स होती हैं हमारी, तो इतनी तकलीफ नहीं होती है. बट वेब सीरीज़ का जितना इंटेंस टॉकिंग का मामला है, उतना मेरे साथ कभी रियल लाइफ में हुआ नहीं. एंड क्योंकि Z के प्लेटफॉर्म पर आ रही है, तो ये जो प्लेटफॉर्म है बहुत ही पॉपुलर है, आपके लिए कितना एडवांटेज रहेगा, आपके लिए कितना प्लस पॉइंट रहेगा, क्योंकि जब आपको ऑफर किया गया कि इस प्लेटफॉर्म पर आएगा? I was pleasantly surprised when Z said yes for this genre. हाँ जी. तो मुझे बहुत ही ऐसे लोग बहुत पसंद है जो एक डिफरेंट प्रोजेक्ट के साथ यू नो बैक करते हैं, उसको स्ट्रांगली खड़े रहते हैं. तो मुझे लगता है कि Z5 का बहुत दिल से शुक्रिया, क्योंकि पहली इतने लार्जर स्केल पर बनी हुई वेब सीरीज़ और थ्रिलर ड्रामा. तो मेरे ख्याल से दे हैव मेड अ फैंटास्टिक चॉइस एंड न्यू डोर्स हैव ओपन फॉर रीजनल वेब. एंड जब आपको पहली बार बताया गया कि आपको ही दिखाना है, लाइक आपकी ही, मतलब एक एक्टर की ही लाइफ को दिखाना है और जो आप हैं एक्टर ही, तो क्या रिएक्शन था आपका? आपने कितना टाइम लिया कि हाँ ये मुझे करना है, या कुछ सोचा कि? नहीं, बिल्कुल नहीं. इनफैक्ट जब मैंने नाम सुना शो का, डेट विद सई, आई वॉज जंपिंग विद जॉय. क्योंकि एक आर्टिस्ट के लिए उसके नाम पर शो होना, और वो भी डिजिटल स्पेस पे जब आप डेब्यू करने जा रहे हो, मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात है. और जैसे ही मैंने नाम सुना, मैंने तुरंत हाँ कर दी. हाँ, क्योंकि आई थिंक कुछ उसमें कंटेंट भी कुछ ऐसा ही है कि आप कोई ना नहीं कर पाएगा.
हाँ एग्जैक्टली, इट रिवॉल्व्स अराउंड मी एज अ पर्सन, मेरी लाइफ, क्या करती हूँ मैं, कहाँ जाती हूँ, यही सब है. तो आई थिंक ऑडियंस ऑलवेज वॉन्ट टू नो मोर अबाउट एन आर्टिस्ट्स लाइफ, उनकी पर्सनल लाइफ में क्या है, उनके पास कौन से लोग हैं, किनके साथ उनकी दोस्ती है, कौन क्लोज फ्रेंड्स है, इसके बारे में क्यूरियोसिटी का लेवल्स बहुत हाई रहते हैं. तो आई थिंक पीपल आर गोना बी वेरी हैप्पी. आई थिंक फैंस भी जानना चाहेंगे क्योंकि इस फिल्म वेब सीरीज में भी जो आई थिंक आपने दिखाने की कोशिश की है, और ऐसी ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपके फैन नहीं जानते, शायद वेब सीरीज के जरिए कुछ लोगों को पता चले, ऐसी वो कौन सी बातें जो आपके फैंस को नहीं पता आपके बारे में? मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ. वो आप खाना अच्छा हाँ, बनाती बहुत अच्छा. हैं? मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, और मुझे फोर व्हीलर ड्राइव करने नहीं आती, ये बहुत लोगों को नहीं मुझे पता नहीं है. पता. आई कॉन्ट ड्राइव, और मैं बाइक चला सकती हूँ, जो शायद थोड़े लोगों को पता हो, थोड़े लोगों को नहीं पता हो, जी. बट या दीज थ्री थिंग्स प्रॉब्ली. एंड खाने में क्या क्या सबसे पहले अगर कहा जाए कि आप कुछ भी बने तो सबसे पहले क्या बनाना पसंद करती हैं आप? महाराष्ट्रियन होम अच्छा. मेड क्विजीन हाँ इज माई स्पेशलिटी एंड माई फेवरेट टू, लेकिन मैं चिकन पास्ता भी बहुत बढ़िया तो बनाती ये हमें देखने को मिलेगा इस वेब सीरीज में? आई डोंट हूँ. नो. नहीं, ये नहीं शायद सीजन टू में देखने मिलेगा. चलिए, ये और ये सबसे पहले अगर देखने को मिलेगा तो हमारे कैमरे के जरिए, हमारे बिल्कुल डन, प्रॉमिस. जी. तो जाते जाते अपने फैंस के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगी? और काफी डिफरेंट है ये, और क्या इसे आप चाहती हैं कि क्या इसे हिंदी में भी आना चाहिए, जिस तरह का ट्रेलर है लोगों को पसंद आ गया इन है? फैक्ट हम इसको हिंदी, तमिल, तेलुगु, बांग्ला, बहुत सारी लैंग्वेजेस में डब करने वाले हैं, और यस, बिल्कुल आना चाहिए. आई थिंक वेब का रीच, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल वॉच यू, और आई थिंक वी शुड मेक द मोस्ट ऑफ इट. फैंस के लिए यही कहूँगी कि Z5 डाउनलोड करिए, और जल्दी जल्दी सारे एपिसोड्स देख लीजिए, और मुझे बताइए मेरे सोशल मीडिया साइट्स पे कि आपको कैसी लगी वेब सीरीज. कैसी लगी? एंड थैंक यू सो मच थैंक एंड यू गुड लक. थैंक यू. हाँ स्वाति रिपोर्ट फ्रॉम नेक्स्ट 9 गोल्ड.